हाँ होता है ये चीज़, क्योंकि वो चीज़ नहीं होगा तो फिर ना दांत पीछे ही कैसे जाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फिर से आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। तो ये वीडियो स्पेशली मेरा ब्रेसेस रिलेटेड बनने वाला है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं कुछ बताऊँगी कि और बहुत कोई जो नए रहते हैं जिनको लगवाना होता है उनके मन दिल में बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि कैसे क्या, या बहुत ज़्यादा दर्द करता होगा ये वो करके। तो चलिए आज ये वीडियो में मैं यही सब बताऊंगी जो मैं अपना एक्सपीरियंस किया हूँ वो बताऊंगी, ठीक है। तो ब्रेसेस में सबसे पहला तो दांत निकलवाना एक्सटेंशन का होता है, ठीक है। तो हर डॉक्टर अपना अलग अलग अपने अनुसार, वो कोई डॉक्टर पहले निकलवाते हैं कोई डॉक्टर बाद में निकलवाते हैं। जैसे कि मेरा कंडीशन बताऊंगी मैं कि मेरा जब मैं एक्सरे रिपोर्ट दिखाई तो डॉक्टर बोले कि दांत निकलवाना पड़ेगा चार दांत करके, तो पहले दांत निकलवा लो उसके बाद में फिर ब्रेसेस लगाएंगे करके बोले। तो मैं पहले अपना दांत निकलवाई तो, और बहुत सारे डॉक्टर मतलब ब्रेसेस लगने के बाद देखी मैं, मेरे डॉक्टर भी ब्रेसेस लगने के बाद भी लगता है कि हाँ अंदर नहीं गया है दांत। तो ब्रेसेस लगने किसी किसी का लगता है कि हाँ बहुत ज़्यादा बाहर है, उनको पता चलता है तो फिर वो पहले ही निकलवा लेते हैं, ऐसा है, ठीक है। तो ये डाउट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा अगर दांत के ऊपर है, अगर जिस मतलब किसी का लगता है कि हाँ इसमें स्पेस ही नहीं बनेगा तो पहले ही निकलवा देते हैं, और लगता है कि हाँ इनका ऐसे ही अंदर चला जाएगा तो फिर नहीं निकलवाते हैं, और फिर देखते हैं कि हाँ ज़्यादा अंदर नहीं जा पा रहा है तो फिर उसके बाद में भी ब्रेसेस लगने के बाद में भी निकलवाते हैं दांत। तो ऐसा है, तो मेरे कंडीशन में तो चार दांत पहले निकलवाए थे उसके बाद लगा था, जैसे कि देख सकते हैं। यस, तो बहुत कोई का क्वेश्चन ये था कि दांत निकलवाने के बाद में दर्द होता है कि नहीं। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी कि मेरे को जब फर्स्ट टाइम, मेरा जब फर्स्ट टाइम लेफ्ट साइड का, इधर का लेफ्ट साइड का ऊपर नीचे का जब निकाले थे तो बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ था, बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ था मेरे को ना निकालते टाइम। वैसे तो ये यहाँ का पूरा सुन करने का दे देते हैं एनेस्थीसिया इंजेक्शन, लेकिन फिर भी किसी किसी को पता चलता है, लेकिन मेरे को इधर का जब निकला था तो बिल्कुल भी पता नहीं चला था, और बाद में भी दर्द नहीं हुआ था, बहुत जल्दी ये वाला ठीक हो गया था। रही बात इधर का राइट साइड का, तो राइट साइड का जब निकाल रहे थे तब भी मेरे को पता चल रहा था, तो मैं डॉक्टर को बोली, फिर इधर मेरा डबल इंजेक्शन लगा और इधर का बहुत अच्छे से रिकवर हो गया था, और इधर का थोड़ा सा मेरा दिक्कत गया था ये कि दांत निकलने के बाद में इसका जो गैप होता है वो फिल होने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझना, जब आप लोग दांत निकलवाते हो तो बहुत बार होता है हम लोग अपने डॉक्टर से नहीं पूछ पाते हैं या तो फिर नहीं समझ पाते हैं, कभी कभी ऐसे भी होता है। सबसे पहले बात तो दांत निकलने के बाद में एक घंटे के बाद में आप लोग को आइसक्रीम खाना है, आइसक्रीम खाने के बाद में फिर टैबलेट लेना है, जो टैबलेट डॉक्टर लिखे रहते हैं वो टैबलेट लेना है, ठीक है। एक घंटे के बाद में तुरंत था, फिर बाद में इसका जो इंजेक्शन लगे रहता है ये सुन करने का एनेस्थीसिया, मेरा जीव भी निकल उठता है, तो वो इंजेक्शन लगे रहता है, उसका असर ख़त्म होने से पहले आप लोगों को टैबलेट ले लेना है, नहीं तो बाद में दर्द का पता चलता है, तो उससे पहले ही टैबलेट ले लेना है आइसक्रीम खा के। और ये तो हो गया दांत निकलने के बाद में, और दांत निकलने के बाद में जो कॉटन दिए रहते हैं चबाने के लिए ब्लड रोकने के लिए, उसको एक घंटे तक रखना है, वो एक घंटे के बाद में निकालने के बाद में आइसक्रीम खाना है, फिर उसके बाद टैबलेट खाना है, उसके बाद वो कॉटन निकलने के बाद में भी ना यहाँ जहाँ से दांत निकले रहता है वहाँ पे ना ब्लड जमे रहता है, ठीक है।
तो वो ब्लड को आप लोगों को नहीं छेड़ना है, जितना हो सके उसको नहीं छेड़ना है एक दो दिन तक, दो तीन दिन तक, क्योंकि वही ब्लड से फिर जो गैप होता है ना वो कवर होता है, जो दांत निकले रहता है पूरा अंदर तक का वो अच्छे से कवर होता है। मेरा में क्या हुआ था, इधर का तो कोई दिक्कत नहीं था, ऊपर का भी राइट साइड का कोई दिक्कत नहीं था। तो एक चीज़ मैं अपने राइट साइड का जब दांत निकला था तो मैं अच्छे से ये चीज़ महसूस की हूँ। इधर लेफ्ट साइड में मेरे को कुछ भी दिक्कत नहीं होता, लेकिन राइट साइड में मेरे लिए खिचड़ी बना दिए थे दीदी लोग, तो उसमें जो दाल था उसका छोटा सा पीस अब दांत निकले रहता है उसके ब्लड में मिक्स हो गया था, ठीक है, मिक्स हो गया था वो ब्लड में, तो ना वो फिर निकल गया, ठीक है, वो दाल निकल गया फिर ना, लेकिन जो दाल था ना उतना जगह खाली हो गया था मेरा, ठीक है, खाली हो गया था, तो वो स्पेस भरने में मेरे को ना काफ़ी टाइम लग रहा था, तो मैं डर भी रही थी कहीं कुछ दिक्कत ना करे करके। तो वो चीज़ आप लोग ना कभी भी दांत आप लोग का निकलता है तो वो जो ब्लड जमता है उसको आप लोग मत छेड़ना, जितना हो सके नहीं छेड़ने की कोशिश करना। और वैसे दर्द करता है दांत निकलने के, मेरा राइट साइड में दर्द हुआ था जब मेरा दांत निकला था, तो पता चला था, जब निकाल भी रहे थे तब भी पता चला था और बाद में निकालने के बाद में पता चला था। तो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गया ना। और मैं सरकारी हॉस्पिटल से मेरा जो भी है ब्रेसेस का चल रहा है, तो हर जगह कॉस्ट थोड़ा अलग अलग होता है, तो मेरा जो कॉस्ट पड़ रहा है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ, लेकिन हर एक जगह में अलग अलग कॉस्ट होता है, तो ये चीज़ तो है, आप लोग समझ गए होंगे। और दूसरा ये है कि ब्रेसेस लगने के बाद में दर्द होता है क्या? तो जी हाँ, दर्द होता है, काफ़ी दर्द होता है ब्रेसेस लगने के बाद में, मतलब काफ़ी दर्द है, ऐसे एक दूसरे दांत को ना टच ही नहीं कर सकते, इतना दर्द होता है। तो ये मैं बताना चाहूँगी कि ब्रेसेस लगने के बाद में दर्द होता है, एक आध हफ्ते तक रहता है, फिर बाद में ज़्यादा तक नहीं होता है। और मेरा ब्रेसेस तक ऊपर का लगने के बाद में 2 महीने के बाद में नीचे का लगा, और मेरे साथ वहाँ पे मिलते हुए थे वो लोग बताते कि थे कि 5 महीने के बाद लगता है ये वो करके, तो शायद मेरा दांत का कंडीशन अच्छा था होगा या ऊपर का, काफ़ी मेरा ऊपर का ना 2 महीने में ही मेरे को रिजल्ट देखने को मिल रहा है कि काफ़ी मेरा दांत पीछे चला गया है ऊपर का 2 महीने में, तो डॉक्टर भी उस चीज़ को देखे तो नीचे का 2 महीने में ही लगा दिया मेरा नीचे का, ठीक है, तो ये मेरा नीचे का लग गया है। और एक चीज़ आप लोग जब कभी भी ब्रेसेस लगाएंगे तो ये चीज़ से मत डरना, हाँ होता है ये चीज़, क्योंकि वो चीज़ नहीं होगा तो फिर ना दांत पीछे ही कैसे जाएगा, दांत ना हिलता है, ठीक है, हिलता है प्लस गैप भी आता है, जैसे कि दांत पूरा एकदम इकट्ठा रह के डायरेक्ट पीछे नहीं जाता है, ऐसा नहीं है, ठीक है, दांत में ना गैप भी आता है, जैसे कि यहाँ का ये दांत हैरा देख सकते हैं, ये दांत इसे गैप आ चुका है, ये दांत इसे गैप आया है, लेकिन अच्छे से कैमरा कैप्चर नहीं कर पा रहा, और जो नीचे का लगा है ये दांत वगैरह मेरा हिल रहा है, तो ये सब चीज़ से नहीं घबराना है आप लोगों को ब्रेसेस जर्नी में, ये सब चीज़ होता ही है। तो फिलहाल मेरे को जो जितना समझ में आया, जितना कमेंट आया था उतना मैं बताने की कोशिश की, अगर आप लोगों को और भी कुछ पूछना है तो कमेंट करना, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ये वीडियो यहीं ख़त्म करते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ, बाय सभी को।